दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट सेव हैं, उन सभी कॉन्टैक्ट को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, ओनली वन क्लिक में आप अपने सभी कॉन्टैक्ट की एक सिंगल पीडीएफ क्रिएट कर पाएंगे, फिर उसका गूगल ड्राइव पर सेव करके रख सकते हैं या फिर किसी और फोन में या कहीं पर भी आप उसको चाहें तो सेव करके रख सकते हैं, जिससे कभी अगर आपका फोन खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपके कॉन्टैक्ट आपको वापस मिल सके। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सिर्फ एक क्लिक में अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को पीडीएफ में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, तो आज के इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले तो उस लिंक पर क्लिक करके आपको उस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ, तो चलिए मैं उसको आपको ओपन करके दिखा देता हूं। तो जैसे आप फर्स्ट बार इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपसे कुछ परमिशन मांगेगी, तो इन परमिशन को आपको ऐसे अलाउ कर देना है। चलिए मैं परमिशन को अलाउ कर देता हूं। परमिशन को अलाउ करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ऊपर की साइड आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है पीडीएफ का, सेकंड आपको मिल रहा है टेक्स्ट का, और थर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है वी कार्ड का। यानी कि आप यहाँ से सिंगल क्लिक में अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को चाहे तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो टेक्स्ट फाइल भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वी कार्ड भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या। तो अगर आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, सिंपली आपको पीडीएफ वाले बटन पर एक बार टैप करना होगा। इसके बाद यहाँ से आपको अपने कॉन्टैक्ट का नाम दे देना, यानी कि जिस नेम से ये फाइल आपकी सेव होने वाली थी। चलिए माई कॉन्टैक्ट्स वन के नाम से मैं इसको रहने देता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। लीजिए दोस्तों आपकी पीडीएफ यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है एक सेकंड के अंदर। चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं पूरी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है और ये एक सिंगल पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर मेरे टोटल कॉन्टैक्ट यहाँ पे 614 हैं, ये पूरे के पूरे इसने एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिए हैं। टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट पर टैप कर देंगे। तो चलिए इसको मैं 2 कर देता हूँ, तो यहाँ से हमारी टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट फाइल हो चुकी है। इसको भी अगर आप यहाँ पे जैसे कि चलिए ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ टेक्स्ट फाइल किस तरह की नजर आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट फाइल में हमारे पूरे कॉन्टैक्ट्स आ चुके हैं। इसी तरह अगर आप वी कार्ड जनरेट करना चाहते हैं तो वी कार्ड पर टैप करें। इसको चलिए मैं कॉन्टैक्ट 3 के नाम से दे देता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा वी कार्ड भी क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी अपने फोन के सभी कॉन्टैक्ट्स को सिंगल क्लिक में पीडीएफ, टेक्स्ट या वी कार्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसकी जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।